हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रैंक ऑर्डर मेथड या जिसे आप रैंक डिफरेंस को रिलेशन भी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसको स्पीयरमैन ने दिया है, इसीलिए इस विधि का नाम स्पीयरमैन श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक भी है। और इस विधि का यूज़ करने का पर्पज़ ये है, क्योंकि अगर हम जब चरों का मापन, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हम इंटरवल या फिर रेशियो स्केल पर हम नहीं रख पाते, उस स्तर पर हमको रखना संभव नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, ऑर्डर मेथड का यूज़ करते हैं। रैंक ऑर्डर मेथड का यूज़ करके हम उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो है रो, और इस ये जो रो है ये साइन है, इस साइन से हम डिनोट करते हैं रैंक ऑर्डर को। इसका फॉर्मूला 1 - 6σ d² / n ब्रैकेट में n² - 1 है। अब देखिए, इसको इस विधि को समझाने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया है, आप देख सकते हैं इसे, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 आपको दिखाए हैं, सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स और मैथ लिया हुआ है, इसको दिखाया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रैंक निकालनी है। फर्स्टली तो हम पहले फिजिक्स की रैंक निकालेंगे। फिजिक्स की रैंक निकालने के लिए देखिए, जो ये नंबर्स दिए गए हैं, फिजिक्स में बच्चों को जो नंबर मिले हैं, उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको हम 1 रैंक देंगे। जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट मार्क्स मिला है, जिस नंबर्स पे, उसे हम हाईएस्ट मार्क्स देंगे। मींस 20 है तो 20 पे 1, फिर उससे कम है 2 रैंक, देन 18 है, बट 18 देखिए 2 टाइम्स है, 18 यहाँ पे भी है, 18 8 नंबर पे भी है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी कोई रैंक एक ही मतलब सब्जेक्ट में दो स्टूडेंट एक ही मार्क्स पाते हैं, तो हम लोग उसका कैसे करते हैं, जैसे 3 और 4 नंबर पे हमारा एक आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं 3, देखिए 3 रैंक आ रही है हमारी इसकी, तो 3 + 4 ये 2 रैंक हमारी जाएंगी, और 2 है इसलिए 2 टाइम्स ए सेम मार्क्स उसे डिफाइन हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 upon 2 = 3 + 4 = 7 upon 2 मीन्स 2 3 = 6 or 0.5, तो 3.5 यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये जो 18 है 3.5 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए, 3 और 4 हमारा चला गया है रैंक, अब हमारी रैंक जो आएगी वो 5 आएगी, 18 हो गया। अब 18 से कम मार्क्स और कौन सा है, तो 16 है, तो 3 and 4 गया है, तो 5 इसको रैंक मिलेगी, फिर 6 रैंक 15 की, 14 की 7, 14 के बाद 12, 12 की 8, 12 के बाद 8, 9, फिर 10, ओके फाइन, ये इसकी रैंक डिवाइड हो गई। देन अब हम लोग क्या करेंगे, R2 की रैंक निकालते हैं, मींस सब्जेक्ट सेकंड जो मैथ है हमारा, इसकी रैंक निकालेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स है वो है 25, तो 1 मार्क्स 25, 1 रैंक जो हमारी हुई वो 25 गई। फिर सेकंड है 24, 2, 23, 3, 4, 4, देन 5, 21 हो गया। अब 21 के बाद फिर धीरे धीरे 17 है, तो 6 रैंक हमारी गई यहाँ पे, फिर 21 आफ्टर दैट 17, फिर 13, 7 रैंक, एंड 11 जब अब आएगा, देखिए 8 और 9 पे जो है हमारा वो 11 आ रहा है, तो 8 + 9 रैंक अपॉन 2, 8 = 16 और 17, 17 अपॉन 2 यानी कि 2 8 = 16 मीन्स 8.5, और दोनों की ही रैंक सेम रहेगी 8.5, देन 10, 8 और 9 मर्ज हुआ, फिर 10 हो गया, ओके ये अब हमारी फाइंड हुई वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिग्मा
डी स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, दिस। तो सिग्मा डी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, और अब हम इसे काउंट करेंगे। तो देखिए पहले जो पॉइंट्स इसक वाले हैं, 5 5 10 हो गया, 10 0 1 आया इस साइड। अब पॉइंट के इस साइड वाली वैल्यूज को हम पुट करेंगे, देखिए 7 6 13 13 13 7 6 13 13 और एक हासिल था, 13 14 14 और 8 14 6 22 22 हो गया, 22 8 30 30 5 35 35 4 39 39 42 44 45 45 की 5 हाँ से लगे 4 4 1 5 ओके 55 आ गया हमारा। डी स्क्वायर जो है वो हमारा कितना आ गया, 55 आ गया। जो डी स्क्वायर है हमारा, ये हमारा 55 फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठा के हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, अब फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारा है 6 फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1 रो इज इक्वल टू ओके। तो देखिए अब इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर का आ गया 55 अपॉन एन, नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 1 ओके। फिर 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड 55 अपॉन, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड 99 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 1 99 हो गया। फिर 1 माइनस, अब देख लेते हैं अगर हमारा यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो उसको हम कर लेते हैं। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 6 2 5 10 और 5 11 11 9, तो 3 अपॉन 9 है बचा अभी, तो 3 से 3 3 3 9 1 अपॉन 3 आया अभी, 1 अपॉन 3 ओके। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 है हमारा, तो इसमें क्या होगा देखिए, 3 1 जा जब हम इसमें 10 को इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पॉइंट में वैल्यूज आएंगी इसमें, 1 माइनस पॉइंट 0.333 ऐसे ही आता जाएगा, 0.333 करके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारी देखो वैल्यू 1 से कम है, तो अब हमारी 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 0.33, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, 0.67। वो भी हमारी वैल्यू किस में आ रही है, क्योंकि इसका जो है 1 जो है वो बड़ा है 0.33 से, तो हमारी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव आ रही है। मींस क्या कह रहा है, अगर देखो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमने जो इसका कोरिलेशन देखा है यहाँ पे, मींस जो फिजिक्स और मैथ का, इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिवली, हाईली पॉजिटिव है ओके, हाईली पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे निगेटिव आता, निगेटिव साइन आता, तो वो हाईली निगेटिव होता, बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है इसलिए ये हाईली पॉजिटिव है। इन दोनों विषयों में जो संबंध है वो हाईली पॉजिटिव है, तो आप समझ गए होंगे इस मेथड को ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।